भाई हमने एक इंस्टाग्राम पे रील बनाई है बहुत मस्त, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई याद से जरूर भाई, मजा आ जाएगा आपको ये वाली रील देख के ना। हम आपको एड्रेस नहीं बताएंगे गाइस एग्जैक्ट, पता लगे आप न्यूकासल में रोज ऋषभ का दरवाजा खड़का रहे हो। ये देखो गाइस, सॉरी माय हाउस इज अ मेस राइट नाउ, सो प्लीज डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो गाइस अभी हम ऐसी बैठ के ना बातें कर रहे थे, बहुत सारे अंकल ने हमें कंटेंट दिया, बहुत सारे अंकल ने एक ही अंकल ने बहुत सारे कंटेंट दिया, बहुत सारे अंकल मतलब कंटेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, ये दिक्कत हो गई बस। बाकी अभी हमने बहुत देर बातें करी गाइस, अभी सब ना बहुत देर से बातें कर रहे हैं। हम पता क्या सोच रहे हैं, वो हेलमेट वाली गेम होती है ना थप्पड़ मारने वाली, जो पीछे से मारते हैं वो खेलने की। ये देखो अंकल, देखो मसाज कर रहे हैं, कैसे करो अंकल, आपकी उल्टा मसाज करनी चाहिए हमें, आप क्यों मसाज कर रहे हो? आप करो बढ़िया मसाज करते हैं भाई, आप कराओ हम आपको, मैं करता हूँ करके बाद। ऋषभ आप क्या कर रहे हो? मैंने वो नैना की लोकेशन, हेलो नैना, नैना तेरे नैनो से ये हो, नैना कह रही है हेलो। अंकल ने नाई की दुकान पे काम किया हुआ था, नहीं बॉक्सिंग खेलता ना 20 साल, तो मेरे 20 साल बॉक्सिंग किया आपने? अच्छा फिर ब्याह हो गया तो मैं जाना छोड़ दिया, बॉक्सिंग सुन चुकी हूँ। चलो करो, पूरे फ्लो में पहले आप बोलो गाइस, आजकल ये पानी में क्या छपा है बड़ा चल रहा है, बाद में बोलूंगा मैं एनआरआई बाप बोलूंगा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि पानी में क्या छपा है ना ट्रेंड है वो ऑडियंस को रोकेगा, 3 NRI का बाप ऑडियंस को नहीं रोकेगा, समझ गए? 3 सेकंड रूल, फर्स्ट 3 सेकंड इंटरेक्टिव होने चाहिए। चलो बाकी इंस्टाग्राम पे देखना गाइस, ये देखो गाइस हम वीडियो शूट कर रहे हैं पानी में गई छपा। तो गाइस अभी हमने वीडियो बनाई है, बैठे हैं सब, आंटी भी सो गई, टाइम देखो गाइस एग्जैक्ट टाइम देख लो, सुबह के सबके आंखें दिखाओ, आंखें देखो भाई आंखें, ऋषभ की आंखें देखो लाल, छपैक छपैक भाई हमने एक इंस्टाग्राम पे रील बनाई है बहुत मस्त, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई याद से जरूर भाई, मजा आ जाएगा आपको ये वाली रील देख के ना, भाई सब पीट लाल हो गई इनकी असली में, ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है के लिए, क्या क्या करना पड़ता है, फॉलो कर लो बेचारे को, सच में छपाए पड़े, मेरे को लाल टू सकाने पड़े, आपके फेवरेट डीएस ने छाटे खाए। वैसे औलादे मेरी बहुत अच्छी है, बट मुझे एक्शन करना पड़ रहा था, अगर चाहते मैं 2000 और ट्रायल देता हूँ तुम्हारे को। अंकल को रीटेक देने में बड़ा मजा आ रहा था, तो गाइस अभी हम देखो लिफ्ट में जा रहे हैं, काफी हमें, हम अभी जा रहे हैं ऋषभ के घर पे, छपैक छपैक करके हमने वीडियो बनाई है अभी ना, और गाइस बिल्कुल जैस्मिन के मम्मी पापा ना बिल्कुल मतलब वो है फ्रैंक के, ऐसे वीडियो में आ जाते हैं ऐसे होते हैं ना कि मतलब शर्माते हैं, बिल्कुल अच्छे से अंकल ने यार क्या मतलब परफॉर्मेंस दी है और जूते भी, ऋषभ ने पिटाई खाई है मतलब पिटाई हुई है, एक बार आपने इंस्टाग्राम पे जरूर देखना यार याद से। बाकी अभी हम जा रहे हैं ऋषभ के घर पे, दिखाता हूँ वो भी आपको, घर हाउस टूर देते हैं अभी आपको, वीडियो का टाइटल भी वैसे क्या पता यही हो मेरी, देख लेना, चलते हैं, ओए ऑटोमेटिक डोर क्या बात है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं ऋषभ के घर, ये है कुछ ऋषभ का घर, वेलकम टू माय हाउस, और ये एक्सपोज कर रहे हैं मेरा घर अब जो मैंने नहीं किया था। ओ ये क्या 61 और 63 दोनों यहीं पे हैं, हम आपको एड्रेस नहीं बताएंगे गाइस एग्जैक्ट, पता लगे आप न्यूकासल में रोज ऋषभ का दरवाजा खड़का रहे हो। ये देखो चलो तो गाइस ये देखो ये आ गया ऋषभ के घर, यहाँ से हम एंटर हुए, ये है एक रूम ऋषभ का,
ये देख लो पूरे रूम का ये है व्यू। अब क्या कर रहे हो? फोर्ड बेडरूम जिन्होंने गंदा किया हुआ है। अच्छा ये देख लो ये इनका ऐसा है। और ये रूम देखो ये डाइनिंग टेबल है, इन्होंने एक गद्दा रखा हुआ है। गाइस सॉरी माय हाउस इज अ मेस राइट नाउ सो प्लीज डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। दिस इज नॉट क्योंकि ये दो दिन से घर नहीं आए हैं तो यू नो इट इज व्हाट इट इज। ये देखो और ये इनकी किचन है। ओके स्पेस तो यहीं पे खड़े होके आप वीडियो बनाते हो ना अपने वो जो गाने की वीडियो बना रहे थे है ना, यहीं पे खड़े होके वीडियो बनाते हैं। और ये है कुछ वॉशरूम। ओहो काफी बड़ा वॉशरूम है यार, पहले वाले से तो बड़ा ही है। वॉशरूम के अंदर दरवाजा कैसा है? वो दूसरा है वो कौन सा दरवाजा? वो एक हीटर बॉयलर रूम जो होता है। अच्छा वो वॉशरूम के अंदर दिया बॉयलर। अच्छा ओके गाइस बाकी तो देख लो आपको हाउस टूर दे दिया मैंने इनका, सही है। बाकी आई होप आपको अच्छी लग रही हो वीडियो। और थोड़ी देर में मिलते हैं हम, ज़रा सो लें फिर मिलते हैं आपको, ठीक है? सुबह के 5:09 हो गए हैं, थोड़ा सो लें फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी एंड करता हूँ आज की वीडियो, मैं अपने घर से शूट कर रहा हूँ ये। बट मैं ना यार थोड़ा बहुत आपको उनके घर का बता देता हूँ। उनका रेंट पता है कितना है? प्रोफेशनल के हिसाब से देखा जाए ना यार न्यूकासल में उनके घर का रेंट तो काफ़ी चीप है। अगर स्टूडेंट्स को चाहिए तो भी चीप मिल जाएगा, बट वो प्रोफेशनल्स हैं दोनों तो 650 pounds के आसपास 2-room सेट है उनका ना। मैंने आपको जो रूम दिखाया है एक ऋषभ का, और उसमें एक ड्राइंग रूम है और ऋषभ से थोड़ा छोटा एक और रूम है। तो पूरे घर का 2-bedroom प्लस वॉशरूम प्लस किचन प्लस ड्राइंग रूम का रेंट 650 है। और उनके बिल्स जो आ जाते हैं वो 100-150 pounds के आसपास आ जाते हैं। तो अभी हिसाब लगा लो और काउंसिल टैक्स वगैरह सब कुछ मिला जुला के उनको 800-850 के आसपास का पड़ जाता है। तो ऐसे करके भाई मिल जाता है। बाकी अगर आपको चाहिए न्यूकासल में तो आप भी राइट मूव जूपला ओपन रेंट वगैरह पे सर्च कर सकते हो यार, कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऋषभ को मैसेज कर देना न्यूकासल में, वो तो है ही है, तो उससे आप बातचीत वगैरह कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बोल देना यश की वीडियो देखी है, जो भी है मेरी वीडियो का आप लिंक भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। और बस गाइस एंड करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी आज की वीडियो। और ऐसी पूरी न्यूकासल की सीरीज़ आ रही है अभी कंटिन्यूएशन में, तो इसलिए देखते रहना नेक्स्ट वीडियो भी, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।